लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि जैसे कि आज आपको पता है कि बीजेपी का एक विशेष प्रोग्राम यहाँ करवाया जाता है करनाल में, लेकिन वहाँ एक तरफ प्रोग्राम चलता है तो दूसरी तरफ किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। उसी की एवज में जो है असंध में किसानों ने जो है यहाँ एक रोड जाम कर दिया है, करना जो जींद चौक है उसको यहाँ जाम कर दिया। लाइव तस्वीरें उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार के आज करनाल में बीजेपी का प्रोग्राम था, एक तरफ बीजेपी का प्रोग्राम चलता है तो दूसरी तरफ जो है किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है और असंध में भी जो है रोड जाम कर दिया गया है, बिल्कुल जींद चौक को जाम कर दिया। किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जोगिंदर झिंडा हमारे साथ, उनसे बातचीत क्या प्रोग्राम आज हुआ और किस प्रकार से जो है किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, बताएं। नमस्कार सर, ऐसा है कि जो ये आज वारदात सरकार ने की है ये बहुत ही अनहोनी घटना है। आज तक 9 महीने हो चुके हैं हरियाणा में कि किसी स्टेट में भी सरकार ने ऐसा लाठी चार्ज नहीं किया जो आज हमारे भाई किसानों के ऊपर तसज्जद हुआ है। इसका हम बदला लेंगे, देर है अंधेर नहीं। जैसे हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार का काम है अपना काम करो, किसान अपना काम कर रहे हैं, अनहत्ते किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है तो बहुत निंदनीय है। सरकार को चेतावनी है, पर आज जैसे ये हुआ है ये सारा हरियाणा जाम हो चुका है। जब तक इसका ये खमियाजा सरकार को भुगताएंगे ना भुगतेंगे तो उतना देर ये जाम नहीं खुलेंगे। ऐसा एक किसान का हाथ टूटा है, एक के नाक पर चोट लगी है, बहुत गहरी जो है घाव है, तो किस प्रकार से देखते हैं, क्या सोच है एक मुख्यमंत्री की? ये मुख्यमंत्री पता नहीं बनाए किसी ने दिया है, ये जैसे खून फूटती है सावन के मेले में तूड़े में वैसे फूट के आ गया है, इसको पता ही नहीं राज चलाने का। पहले जैसे भजन लाल का राज था उसने लाठी चार्ज करवाया, इन्होंने वो भी सीन देख लेना चाहिए। जैसे चौटाला साहब ने लाठी चार्ज निशम में करवाया, इनको वो भी सीन देख लेना चाहिए था। आज इन्होंने लाठी चार्ज जो करवाया है, हमारे भाइयों के हाथ टूटे हैं, नाक की हड्डी टूटी है, एक को सिर में चोट आई है, एक को टांग में चोट आई है, तो इन्हें अपने आप ही जड़ों अपनी अखाड़ने का काम कर दिया है, तो इनकी जड़ें उखड़ चुकी हैं, अब राज पाक में ये नहीं बैठेंगे जितना जीने की जिंदगी रही। क्या फैसला जो आपके किसान नेता है उन्होंने लिया है? अब ये संयुक्त मोर्चे की तरफ से फैसला आने वाला है, चरूनी साहब भी वहाँ आने लग रहे हैं, तो दूसरे भी जो हमारे किसान मोर्चे के सारे प्रधान हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, उसके बाद जैसे ही वहाँ से फैसला होगा उसी हिसाब पर यहाँ चलेंगे हम। लाइव तस्वीरें देखते हैं कि जैसा कि आज एक बीजेपी का प्रोग्राम था वो मैंने आपको बताया कि वहाँ उनके जो मंत्री हैं वो पहुँचने वाले थे, लेकिन यहाँ जो ट्रक है उसको भी जो है अड़ा दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको तो बस्ताड़ा टोल पर जो है ये हादसा होता है, एक प्रकार का ये हादसा है, और कुछ और भी हमारे साथ साथी हैं उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि जो किसान है किसान वर्ग के साथ सभी हैं, बताएं कैसा आपको पता लग गया और कैसा जाम है? मैं देख रहा था हमारे जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए, जब हमने देखा कि वहाँ पे बस्ताड़ा टोल पे इतनी हत्थे लोगों पर सरकार ने जो खट्टर सरकार ने जो इतना बड़ा लाठी चार्ज किया है वो बिल्कुल गलत था। और पहली बात तो इनकी जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे करनाल के अंदर वो सिर्फ लोगों को बांटने का एक तरीका था, भाई किसी तरह लोगों को बांट के हम अपनी राजनीति चमकाएं। जब मीटिंग होनी थी तो वो विधानसभा में 3 दिन से उनका सत्र चला हुआ था, तो जो बातें इन्होंने यहाँ करनी थी वो वहाँ भी कर सकते थे। सरकार का खर्चा जो सरकार का खर्चा क्या है, हमारे आम पब्लिक का खर्चा जो ये बढ़ा रहे हैं दिन पर दिन, हमारे को ये बिल्कुल नागरिक होने के नाते अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि वहाँ पर महिलाएं जिनको पेट में दर्द था, किसी को डिलीवरी होनी थी, इतना बुरा हाल वहाँ पर नहर के पुल पे हुआ। और अमरिंदर सिंह जी जो वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी मिड्डा साहब ने जब उनकी बाइट ली, मेरे को बड़ा मतलब गंदा लगा कि उन्होंने कहा, जब ये सवाल पूछा कि आपने ट्रकों की जो सब भी है वो उठा के नहर में डलवा दी क्या, तो एकदम वो आग बबूला हुए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ खट्टर सरकार से, जब कल वो वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या इसी सुरक्षा के अंदर आएंगे? जिस तरह से लोगों को उन्होंने घेर कर रखा हुआ है तो क्या लोग उनको कल नहीं घेरेंगे?
मैं ये पूछना चाहता हूँ खट्टर सरकार के आपके माध्यम से कि वो इस बात का जवाब दे, कल जब वोट मांगने के लिए आएंगे, जिस चीज़ के लिए वो मीटिंग कर रहे हैं, हम नगर पालिका के चुनाव करवाएंगे, हम पंचायत के चुनाव करवाएंगे, तो क्या वो लोगों के बीच में नहीं जाएंगे? तब उनसे जब लोग उनको पूछेंगे कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया था, जब सड़क के चारों तरफ जाम, पूरा करनाल का सिस्टम ही जाम कर दिया था, तो हम आपको वोट क्यों दें? तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के ये अहम मीटिंग थी आज, कि जो चुनाव लड़ने हैं वो सिंबल पर लड़ने हैं या नहीं लड़ने हैं, बहुत एक अहम रोल जो है, सभी मंत्रियों को वहाँ बुलाया गया था, जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से किसानों द्वारा भी एक प्रोटेस्ट किया जाना था, लेकिन उसको किस तरीके से मोड़ा गया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पूरे करनाल को जो है सील बंद कर दिया गया था, पूरा करनाल जो है सील था, ट्रकों की जो है चाबी निकाल कर पुलिस वालों ने अपने पास रख ली थी, जो डिलीवरी केसेस हैं या लोगों को, आम जनता को किसी से मिलना, वो वहाँ नहीं जा सकते थे। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर कीजिएगा, और देखिए बिल्कुल जीन चौंक की ये तस्वीरें, असन जीन चौंक की ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा जींद चौक यहाँ जाम हो चुका है, चाहे वो किसान है चाहे दुकानदार है, वो लगातार जो है आपस में एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो है किसान नेता कुछ यहाँ पहुँचने वाले हैं, आगे की जो है रणनीति किसानों की होगी वो देखने लायक होगा। तो जुड़िएगा संदल चल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि आज करनाल में एक अहम मीटिंग थी निकाय चुनाव को लेकर के, नगर पालिका के जो चुनाव थे या सरपंच के जो चुनाव थे वो सिंबल पर लड़े जाएंगे या नहीं लड़े जाएंगे, किस प्रकार से उसकी रणनीति बनाई जाएगी, क्या जनता के बीच में ये नेता पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो स्थिति कहीं ना कहीं सरकार के लिए बिल्कुल पतली नज़र आ रही है। सरकार जो है डरी हुई है, बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी जो है किसानों ने उनको एक निर्देश दिया था कि आपको काले झंडे दिखा करके विरोध किया जाएगा, लेकिन जिस भी अफसर ने ये कदम उठाया किसानों के ऊपर जो है लाठीचार्ज करवाया, बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट या कोई ऐसी किसानों द्वारा एक मैसेज नहीं आया था कि वो किसी प्रकार का कोई उड़दंगबाजी जो है करेंगे। तो लाइव तस्वीरें, और उसके बाद अब पूरे हरियाणा में लगभग सभी जगह चक्का जाम जो है और जो जाम है वो कर दिए गए हैं। ये असंद की तस्वीरें हैं, करनाल रोड पे जो जीन चौक है वहाँ सभी जो है किसान खड़े हैं, मौके पर जोगिंदर झिंडा जो है उनसे फिर एक बार बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस धूप में, कड़ी धूप में जो है वो खड़े तरह। लाइव तस्वीरें असंदल चल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ। ये कब तक आपका जो है जाम रहेगा यहाँ? ये जैसा है कि वहाँ से संदेश आएगा संयुक्त मोर्चे की तरफ से कि उतना चिर यहाँ लगा रहेगा, जब भी वो कहेंगे उस टाइम अपना ये खोल देंगे। प्रशासन एक अपील करेगा कि नहीं गलती से लगाया, हल्का फुल्का लाठी चार्ज किया गया, माफ़ी मांग लेते हैं? हाँ, वो तो चलो एक्सेशन अगली है, जब माफ़ी के ऊपर तो बात नहीं कुछ होती, जब प्रशासन माफ़ी मांगता है ना, कोई भी मारे तो महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, जो माफ़ी मांगता है वो बड़ा होता है। जब सारी सरकार माफ़ी मांग ले किसानों के से वो किसान माफ़ कर देंगे, किसानों का तो बहुत बड़ा जिगरा है, ये अन्नदाता सबको अन्न देता है, जो हमारा ये किसानों का अन्न खाने वाला है उसको माफ़ी मांगने की क्या नौबत है, वो माफ़ी उसको तो फटाफट मांग लेनी चाहिए, अभी इससे पहले तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी उनको। तो 9 महीने का समय हो चुका है और काफ़ी लंबा आंदोलन हो चुका है, क्या लगता है सरकार नहीं मानती, क्या स्थिति है? देखो जी, सरकार में पूरी हलचल है, अब सरकार टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, जैसे ये अपने आप ही बदनामी करवा रहे हैं। खट्टर साहब को थोड़ा समय लेना चाहिए, हमारे सीएम हैं, तो इनको जैसे ये इलेक्शन नज़दीक आ गया है बाई का, जो हमारी 5 वाली वहाँ महापंचायत है यूपी में मुजफ्फरनगर में, ये इनको दिख रहा है हमारा तख्त हिलने वाला है, इसी वजह से ये शासन करवा रही है, किसानों को आपस में लड़वा दें तो ये इनका जो 5 वाला सिस्टम ये फेल हो जाए तो हम कामयाब हो जाएं, इसी वजह से ये काम कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे ऐसा ना करे सरकार। तो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि करनाल में आज एक अहम मीटिंग हुई है, होनी थी और हुई है, उसका समय जो 11 से 3 का था, वहाँ जो काफ़ी बड़े पदाधिकारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, वो वहाँ पहुँचे थे, निकाय चुनाव को लेकर के अहम मीटिंग थी, लेकिन एक तरफ मीटिंग चलती है तो एक तरफ किसानों के ऊपर जो है पुलिस बल ने लाठीचार्ज किया है और काफ़ी किसानों को चोटें आई हैं। उसी अवेज़ में जो देख सकते हैं कि असंध में जो है जीन चौक को पूर्ण तरीके से यहाँ जाम कर दिया गया है,
आगरी जो रणनीति है वो किसान नेता यहाँ पहुँचेंगे और उनके जो आदेश हैं उनका पालन किसानों द्वारा किया जाएगा। तो आप जुड़े रहिएगा असम दलचल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। किसान युवा नेता भी जो है अहम रोल जो है अपना इस आंदोलन में निभा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार का आज वहाँ किसानों का प्रदर्शन रहा, लाठीचार्ज किसानों के ऊपर किया, कैसा लगता है कि सरकार क्या किया, अच्छा कदम है कोई? दिलबाग जी, ये जो 9 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, सरकार ने जो आज काम किया ना जी, उससे बहुत मन दुखी हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम इस देश के वासी नहीं हैं जो हमारे पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, क्यों शांति से उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दे रखी है। सीएम साहब के आसपास भी कोई बंदा है नहीं है, जैसे लोग दाएं बाएं खड़े थे वहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जी। आज इतना मन परेशान हो रहा है कि महसूस हो रहा है कि हम इस देश के वासी नहीं हैं। क्या लगता है अभी आप जाम लगाएंगे, क्या पता आपके ऊपर भी लाठी चार्ज हो, तो क्या करेंगे? ऐसे जी, हम तो पानी की सेवा मुसाफिरों के लिए भी और किसानों के लिए कर रहे हैं। सरकार के पास डंडे भी हैं, गोली भी है, बंदूकें भी हैं, जो चलाएंगे तो खानी तो पड़ेंगी। दिलबाग जी, सब ऐसे है, देखो बताइए, ये आप कह रहे हो भी आगे क्या करोगे, आखिर अंत तो आएगा एक दिन, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कैसे कैसे इन्होंने करा, वहाँ बैठे हैं सड़क पे आराम से बैठे हैं, वो कम से कम भी यहाँ मीटिंग है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। वो खट्टर साहब को क्या 5-5 किलोमीटर से दूर डर लगने लगा है किसानों से, इतने डरते हैं वो किसानों से कि 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर भी लाठी चार्ज करवाते हैं। इसका मतलब कल वोट मांगने आएंगे जिस टाइम वो गांव में, क्या पुलिस साथ में आएगी? इतना प्रशासन वोट मांगने के लिए साथ में आएगा, जो हमारे ये विधायक हैं ये कैसे गांवों में बढ़ेंगे? अब तो ये करते हैं नाज बांटते हैं, जाके पुलिस ले गए नाज बांट दिया, लेकिन कल वोट लेने तो जाएंगे ना वहाँ गाँव में, लाठी का जवाब तो फिर मिलेगा ना। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, निकाय चुनाव को लेकर की अहम मीटिंग थी आज, और युवा जो किसान है, जो युवा वर्ग है, वो भी सड़कों पर उतरा है। जीन चौक की तस्वीरें, जो शख्स करनाल की ओर से जीन जाना चाहते हैं वो कम बाईपास होकर के जाएं, क्योंकि जीन चौक बिल्कुल पूर्ण तरीके से इस टाइम जाम है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, किसानों को चोटें लगी हैं, एक तरफ भाजपा की जो है मीटिंग चलती है और एक तरफ जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। लाइव तस्वीरें असम हलचल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया की ओर से, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा।